अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूँ आपका होस्ट कासम अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कासम अली शाह। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो जॉब्स आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ, ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस डेरा इस्माइल खान की जॉब्स हैं और इसकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 25 मई 2022 है और ऑनलाइन अप्लाई है इस पर। तो इसमें जो पहले नंबर पे असामी दी गई ये असिस्टेंट की असामी है और इसका बीपीएस 16 है और माइनॉरिटी कोटा है, ये एक ही वैकेंसी है इसकी। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और इसके लिए जो एज लिमिट है वो 20 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। इस तरह नाज़रीन जो दूसरे नंबर पे असामी दी गई ये कंप्यूटर ऑपरेटर की है, इसका बीपीएस 16 है। टोटल 29 वैकेंसीज़ हैं इसकी, ओपन मेरिट पे 23 हैं, डिसेबल कोटा पे एक वैकेंसी है, फीमेल कोटा की 3 हैं जबकि माइनॉरिटीज़ की 2 वैकेंसीज़ हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो सेकेंड क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 32 साल के दरमियान होनी चाहिए। इसी तरह नाज़रीन जो तीसरे नंबर पे असामी दी गई ये जूनियर क्लर्क की है, इसका बीपीएस 11 है, इसकी एक ही सीट है माइनॉरिटी कोटा पे और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो एटलीस्ट सेकेंड क्लास सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन और इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए। इसके अलावा जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आप दोस्त स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो दोस्त इस पे अप्लाई करना चाहते हैं इस पे ऑनलाइन अप्लाई है, जो ईटा की वेबसाइट है वहाँ से आप दोस्त ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट स्क्रीन पर भी आप दोस्त देख सकते हैं www.eta.edu.pk। इस वेबसाइट पे आप दोस्तों ने जाना है, वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। जब आप का अप्लाई हो जाएगा, सक्सेसफुल सबमिशन हो जाएगी ऑनलाइन, तो उसके बाद जो है वो आपने एक डिपॉज़िट स्लिप जो है वो डाउनलोड करनी है और वो डिपॉज़िट स्लिप जो है वो आपने UBL बैंक में उसकी फ़ीस जमा करवानी है 500 रुपये, जो कि टेस्ट फीस है और नॉन रिफंडेबल है। और फीस जमा करवाने के बाद आपने कैंडिडेट कॉपी जो है वो अपने पास संभाल के रखनी है सबूत के तौर पे और उसके बाद इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 25 मई 2022 है और ये जॉब्स जो हैं वो 11 मई 2022 को शाया हुई हैं न्यूज़पेपर में। और तमाम जो कैंडिडेट्स इस पे अप्लाई करेंगे और जिनको टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उनको थ्रू SMS बुलाया जाएगा और जिन दोस्तों को SMS आएगा वो ईटा की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से जो अपनी रोल नंबर स्लिप है वो डाउनलोड कर लेंगे और उसका प्रिंट लेके वो इंटरव्यू के लिए फिर पहुंच जाएंगे टेस्ट सेंटर, जो भी उनको टेस्ट सेंटर बताया जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आज की ये वीडियो भी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। तो मज़ीद अच्छी अच्छी जॉब्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।